हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के की प्रचलित कथा के अनुसार भूतकाल की बात यह है। गौतम नाम का विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मागिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य भी वहाँ से दसों दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करने के बाद वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वरदान मांगने को कहा कि इस जमीन पर बहुत वर्षा कराए। वर्षा कराने के लिए वरुण देव बोले कि देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न जरूर हुआ हूँ, पर मैं अक्षय रहने वाला पानी देता हूँ। तुम एक काम करो, इसके लिए तुम सर्वप्रथम एक गड्ढा तैयार कर लो। देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने किया, एक हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से वरुण देव ने कहा, हे महामुनि, कभी न छीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। यहाँ किए हुए दान भोग, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। उस जल धारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिलने लगा। इस बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए भी कहा और खुद भी खेती करने लग गए। वहां पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे और बात दूर दूर तक पहुँचने लगी। यह सुनकर उस जगह को छोड़कर जो गए थे लोग, वो भी वापस आ गए। इसके कुछ वर्षों बाद उस गौतम मुनि के खेत में भगवान श्री गणेश ने एक गाय के रूप का धारण करके और खेत चरने लग गए ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकाला जा सके। गौतम ऋषि का खेत में गाय चरने लगा। गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे उस गाय को भगाने के लिए कोशिश की। सभी ऋषियों ने, उनकी पत्नियों ने देखा ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से बाहर निकाला जा सके और इलाका में सभी ऋषि मुनि का भी हक हो। गाय को चारा चरता देखकर गौतम मुनि ने एक मुट्ठी तिनके के सहारे उस गाय को भगाने के लिए चले गए। तिनके का स्पर्श पाते ही वह गाय नीचे गिर गई और मर गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गाय गौतम ऋषि से कहा, यह तुमने क्या कर दिया, और गौतम भी आश्चर्यचकित हो गए। गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए इस गौ हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और कठिन तप के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप से मुक्त कर दिए। गौतम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव, ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु इस त्र्यंबकेश्वर महा ज्योतिर्लिंग के मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं।